एक छोटा सा टॉपिक है कि आप कुछ करना चाहते हो बट इमिडिएटली आपके यहाँ से कोई बड़ा या आपकी मदर या कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है और वो बोल देते हैं उनको कि 2 साल तक कोई भी एक्स वाई जेड दशा है और कुछ नहीं कर पाएंगे एंड उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम आपके पेरेंट्स के ऊपर या आपके बड़ों के ऊपर ज्यादा होता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, किसी बाबा जी ने बोल दिया, आपके किसी गुरु जी ने बोल दिया, कि गुरु जी भी एक तो पता नहीं कितने सारे हैं यहाँ पे, एंड फिर वो एक वो बताते हैं उपाय कि ये 40 कर लो, वो ज्यादातर उपाय बोरिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है वो करने में, और जब बता दिया है अब अगर आपने पूछा है और उन्होंने बोला फिर आपने नहीं किया तो आप और फंस गए, जब तक पूछा नहीं था तब तक फिर भी ठीक थे, अब पूछा और उन्होंने बताया और फिर नहीं किया तो फिर तो आपको बर्बाद होने से कौन रोकेगा, राइट। हाँ तो वो करते रहो महीनों तक व्हाटएवर, हाँ, उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो वो कहेंगे आपने ठीक से नहीं किया होगा, राइट। हाँ आप ही की गलती है भाई, मेरी गलती कैसे हो सकती है, आई एम दी गुरु। हाँ तो आप ये कह रहे हो आपका टॉपिक ये है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, या अगर इसको सिंपल एक वर्ड में बोला जाए सुपरस्टिशंस, कि इंडिया में सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा है, हर चीज के अंदर वहम बहुत ज्यादा है, जरा सा हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाता है, 2-3 चीजें एक साथ बुरी हो जाती है तो लोगों को लगने लग जाता है हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, होता है ना ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है, नजर लग गई है, अगर ऐसे नजर लगती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता, मेरा हुलिया बिगड़ गया होता आप तक तो। बचपन से ही ऐसी ही प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बेटे तुम अगर ये हो तो तुम्हें यहाँ इस मंदिर में जाना है, ये करना है, ये करना है, पल्लू करना है, वैसे ही करते चले जा रहे हैं, अभी पूछ ही नहीं रहे हम कर क्या रहे हैं, इस पेड़ के तुमको चक्कर लगाने हैं, अब ये करना है, यहाँ पे धागा बांधना है, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, उनसे पूछो भाई मनोकामना पूरी हो भी गई तो होगा क्या, पूछो अपने पेरेंट्स से अपने रिलेटिव से अगर हिम्मत है तो, मतलब वो जो आ करके आपको बोल रहे हैं कि बेटे शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बोलो आपने करा क्या उखाड़ दिया, पूछो उनसे। बोलो तो अपना काम करना, तेरे को क्या है, अपनी बीवी को संभाल, अपने पति को संभाल, तू अपना मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, या चल तू दिखा तूने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया, आप समझ गए, जो आकर के आपको आइडिया दे रही है कोई फीमेल या कोई भी ऐसे अंधविश्वास के बेस पे कि भैया इतने सोमवार का व्रत रखो तो अच्छा पति मिलने वाला है, उसने पूछा आपने रखा था ये है आपका पति, अगर सिंपल वे में बोला जाए ये बॉटल यहां पर है, मैं आपको कहूं कि ये जो बॉटल है देखो इसको मैंने पिया अभी पिया आप लोगों के सामने पी रहा हूं, अब ये जो बॉटल है इसमें जो पानी है वो एक नॉर्मल पानी नहीं है, वो एक पवित्र पानी है, वो ऐसा पानी है जिसने भी इसको पिया उसकी लाइफ बन गई, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और जो वो चाहता है वो सब पूरा हो जाएगा अभी के अभी यहीं के यहीं, और फिर इसके पीछे आप लड़ रहे हो आपस में, मैंने बॉटल को उछाल दिया लो जिसके हाथ में आई आई, तो वो सब क्या है, सुपरस्टिशंस है, ऐसे आदमी ने अगर ये पानी पी भी लिया तो कुछ होने वाला है क्या, पी करके चलो उसकी मनोकामना पूरी हो भी गई और जा करके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि मैं वहां गया था मैंने वो पानी पिया आज देखो मैं कहां हूं, तब भी वो खच्चर था अभी भी खच्चर है, समझ गए, तो ऐसे लोग और सुपरस्टिशंस फैलाएंगे, ऐसे तो फैलते हैं सुपरस्टिशंस कि मैं वहां गया मैंने ये किया फिर देखो मैं क्या हो गया, अबे क्या हो गया, तू पहले भी भोंदू था अभी भी भोंदू है, हां क्योंकि पहले भी कुछ मान रहा था अभी भी मान रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जहां आपको कन्विंस करना पड़ रहा है वो सब सुपरस्टिशंस हैं, जहां पर कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है वो रियलिटी है, जहां पर डाउट आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, क्या डाउट करोगे बताओ, मैं यहां पर हूं या नहीं हूं आपको डाउट हो रहा है, किसी को हो सकता है डाउट होगा तो मैं कहूंगा अपना इलाज कराओ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर मेरा एक जुड़वा भाई बैठा हुआ है, आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि आपके पास में तीसरी आंख नहीं है, मेरे पास मैं उसको देख पा रहा हूं, मैं आपको देता हूं वो शक्ति, ये मेरे हाथ से एक रेज निकल रही है आपको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है, मेरी पावर्स है ना आपको नहीं पता है, अब आप देख पाओगे, दिख रहा है क्या बोलोगे, हो सकता है कोई किसी को दिखने भी लग जाए, अब वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, हमें तो दिख रहा है गुरु जी, हाँ 2-3 बंदे हैं यहाँ पे ऐसे खुरकी भी मिल जाएंगे, अगर मैंने नौटंकी करी तो आकर के मेरे पैर पकड़ा गुरु जी मुझे दिख गया मुझे दिख गया, हाँ और बाकी लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की, मैं यहाँ पे श्राप दे दूंगा,
मैं तो शराब की चलती फिरती दुकान हूँ। हाँ तो वो भी चुपचाप देखते रहेंगे क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। जो पापी है उसको नहीं दिखेगा, जो पुण्यात्मा है, जो बिल्कुल साफ सुथरा है जिसका मन, उसको दिख जाएगा, उसको दिखेगा। तो मुझे दिखेगा क्योंकि मैं पुण्यात्मा हूँ, आपको नहीं दिखेगा, आप में से एक को दिखेगा, बस खत्म। और वो एक पहले से सेटिंग होगी, उसमें 20-30 रुपए तो पूछे वो। एनी हाउ पकड़ में आ रही है फर्क। तो माइंड को पहले क्लियर करो। अगर और डीपर लेवल में आप जाओगे तो सुपरस्टिशंस की भी लेयर्स हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे माइंड क्लियर होता जाएगा ना, तो आपको वो भी नजर आने लग जाएगा। एक पत्थर की मूर्ति है, आप कह रहे हो वहां पर मूर्ति है, ये रियलिटी है या सुपरस्टिशन है? अच्छा, वहां पर एक्चुअल में क्या है? पत्थर है। वहां पर क्या है? समझो, देखो ऐसे देखा जाता है। माइंड इस हद तक आप क्लियर कर सकते हो कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा सब कुछ। वहां पर एक्चुअल में क्या है, मूर्ति है या पत्थर है? पत्थर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मूर्ति कहां है? वहां पर पत्थर है लेकिन मूर्ति भी है, मूर्ति कहां है? दिमाग में। आई बात समझ में? हाँ जी, वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर तो पत्थर है, पत्थर को ही तोड़ा गया है, पत्थर ही था, पत्थर ही है, बाद में अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो पत्थर ही रहने वाला है। मूर्ति कहां है? देखने वाले के ब्रेन में। अब उस मूर्ति को मैंने एक नाम दे दिया है, और सब चाहे तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, और जो नाम दिए जिसने उसी के हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि उस नाम से रिलेटेड जो भी माइंड में फीडेड है, जैसे ही आप कोई नाम लेते हो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन आप कहां के हो, आप नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, तो उस नाम से रिलेटेड एक पूरा का पूरा बैगेज आपके अंदर आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, उसके हिसाब से आप सोच रहे हो, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो। जो दूसरा बंदा है वो अलग तरह से सोच रहा है, अलग तरह से एक्ट कर रहा है। ये सब क्या है? इमेजिनेशंस है। ये नहीं आई ना बात पकड़ में, उबासी आ गई ना, लग ही रहा था मेरे को। सुनो अंकल, सुनो, थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा कभी कभी डीप में जाने की कोशिश किया करो, क्योंकि यही परमानेंट सोल्यूशन है। ऊपर ऊपर से मैं आपको चमका के अजाब बजा के भेज दूंगा, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है उससे, समझ गए? डीपली कभी समझो, ये समझो कि मैं समझता कैसे हूँ चीज़ों को, ये समझो कि समझते कैसे हैं। वो समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया, वो नहीं समझ आया तो जो मेरी समझ है उसको पकड़ करके अपने माइंड में भर दिया, तो वो भी बिलीव्स हैं, वो सब सुपरस्टिशंस हैं। तो ये फर्क को समझना कि ये सुपरस्टिशन है, ये रियलिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये रियल है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। नहीं आए पकड़ में? सुपरस्टिशन को रियलिटी समझना, चलो अब आएगा पकड़। कोई सुपरस्टिशंस हैं आपके लेकिन उसको रियलिटी समझना, ये क्या है? सुपरस्टिशन है। कोई डाउट? सुपरस्टिशन को समझ लेना कि ये सुपरस्टिशन है, ये क्या है? रियलिटी है। आगे बात पकड़ दें। तो रियलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द रियलिटी ऑफ थिंग्स विच आर देयर, बट टू अंडरस्टैंड वॉट इज देयर एंड वॉट इज नॉट देयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियलिटी। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भूत नहीं है, यहां पर मेरा जुड़वा भाई नहीं है, ये क्या है? ये सुपरस्टिशन है, रियलिटी है? रियलिटी है। यहां पर मैं हूं, ये क्या है? रियलिटी है।